हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 4 है। लेक्चर 4 के पार्ट 1, 2 और 3 में हमने ढेर सारी प्रोग्रामिंग की। लेक्चर 4 के पार्ट 3 में हमने बेसिक दो चीज़ें जाना, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। मैं वो प्रोग्राम आपको दिखा दूँ। बेसिक चीज़ें जाना, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, गेट सी एच, स्टूडियो कोन्यू और मेन, तीन चीज़ें जाना। सबसे पहले हम स्टूडियो और कोन्यू हर प्रोग्राम में ही इंक्लूड करेंगे ताकि क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, गेट सी एच और स्कैन एफ जैसी फंक्शन को हम कॉल कर पाएँ। ये तो हो गया कोई मैसेज अगर प्रिंट कराना है तो। लेकिन अगर कोई वैल्यू डिक्लेयर करके, जैसे मैंने एडिशन में किया था, उसको कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो सिंपली मैंने किया क्या था कि जब भी आप इंटीजर वेरिएबल लेंगे, 1, 2, 4, 5, -1, -2, -3, -4, इंटीजर का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो इंटीजर वेरिएबल्स यूज करने के लिए आप इंट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड क्या है? वॉइड भी एक कीवर्ड है। जितने भी वाइट कलर से वर्ड लिखे हुए टर्बो सी प्लस प्लस में आएंगे, वो सारे कहीं ना कहीं कीवर्ड होंगे। सी प्लस सी में एक्चुअली 32 कीवर्ड्स हैं। ये धीरे धीरे आप जानेंगे। जैसे पहला अभी वॉइड जाने हैं कि वॉइड मेन के पहले मैंने यूज किया और प्रोग्राम को रन किया। दूसरा इंट, इंट क्या है? इंटीजर वेरिएबल्स के लिए। मान लीजिए मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इंट लिखूँगा, a, b, दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगा दूँगा। ये इसका लिखने का तरीका है। दो वेरिएबल्स अगर इंटीजर नाम के डिक्लेयर करना है तो सिंपली मैं a, b लिख दूँगा और उसके बाद सेमी कॉलन ज़रूर लगाऊँगा। ध्यान रहे कि क्लियर स्क्रीन इंटीजर के डिक्लेरेशन के पहले ना लिख दें, हमेशा डिक्लेरेशन के बाद ही clrscr का यूज़ करें, नहीं तो एरर देगा। उसके बाद यूज़र को एक मैसेज भी तो देना है, तो मैसेज हमेशा प्रिंटएफ में दिया जाता है। प्रिंटएफ में मैसेज क्या दें कि एंटर द टू वैल्यूज, एंटर द टू वैल्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रिंटएफ में आप जो चीज़ें लिखते हैं वो एज इट इज़। प्रिंटएफ में लिखने का तरीका, सिंटेक्स यही है कि डबल कोट्स लगाएं, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे आएगी, बाद में सेमी कॉलन जरूर लगाएं। इतना भर हमने कर दिया, इंटीजर नाम के दो वेरिएबल a, b डिक्लेयर किया, clrscr आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल्स को इंटर करने का मैसेज दिया। उसके बाद इन वेरिएबल्स को जो यूज़र डालेगा, मान लीजिए ए का वैल्यू 2 डाल दिया, बी का वैल्यू 3 डाल दिया, उसको किसी और वेरिएबल में लेना तो भी तो पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैन एफ नाम का फंक्शन का कॉल करते हैं। इसका भी डिक्लेरेशन स्टूडियो में है तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। स्कैन एफ लिखने का तरीका देखिए, स्कैन एफ लिखे। सबसे पहले हम स्कैन एफ लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, इसमें भी डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स पहले लगाया, परसेंटाइल डी क्यों लिखते हैं थोड़ी देर में आप जानेंगे। दो वैल्यू लेना है तो दो बार परसेंटाइल डी, फिर डबल कोट्स लगाया, कॉमा दिया, एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, हर वैल्यूज़ के बाद कॉमा ज़रूर दें और लास्ट में सेमी कॉलन। बेसिकली हुआ क्या कि ए और बी में जो वैल्यू आप डालेंगे वो इसके माध्यम से उसके एज यूजुअल वेरिएबल्स में चले जाएंगे। जब भी आप इंटीजर वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो परसेंटाइल डी लगाएंगे। लिखने का तरीका यही है, परसेंटाइल डी, पढ़ते इसको ऐसे हैं परसेंटाइल डी, और इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं। पहला वैल्यू पहले परसेंटाइल डी में जाएगा, दूसरा वैल्यू दूसरे परसेंटाइल डी में जाएगा, ठीक है। और जब भी दो वैल्यूज़ को इंटर कराएंगे तो बीच में कमा ज़रूर देंगे। सबसे पहले मैं एक वैल्यू इंटर करा के देखता हूँ, दो वैल्यू में शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं एक वैल्यू इंटर कराया, मेरे को रिज़ल्ट मिल गया कि कैसे इनपुट कराना है। तो एक वैल्यू इंटर करना है तो एक ही बार परसेंटाइल डी लिखेंगे। लिखने का तरीका यही है। इस प्रोग्राम को मैं रन करने से पहले रन करता हूँ।
रन करके देखता हूँ कि ये सही में इनपुट ले भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कंपाइल, कंपाइल कराया नो एरर। फिर मेरा सेकंड स्टेप होगा रन, जी हाँ इंटर टू वैल्यूज़, मैंने सॉरी टू को काटना भूल गया, 12 दबाया हो गया, एक वैल्यू ही लेगा क्योंकि एक ही वैल्यू के लिए मैंने जगह दी है रखी है उसको। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम स्कैनफ का फंक्शन का यूज़ जाने इसमें और कैसे उसका सिंटेक्स होता है ये जाने। दो वैल्यूज़ लेना है तो सिंपली आप एक कमा लगाएं और परसेंटाइल डी लिखें, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ तो परसेंट एड्रेस अब बी लिखेंगे और इसको परसेंटाइल डी ऐसे कर देंगे तो दूसरा वैल्यू भी आ जाएगा। देखिए अब आपका प्रोग्राम रन होगा, एंटर टू वैल्यूज़, एक वैल्यू और ले लेगा ये, अब वैल्यू नहीं लेगा, ये हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप ऐसा और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।